चिर शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण के श्रवण पठन से ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से बनाकर उनका धन हड़प लिया। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कर्मी धर्म काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवलोक से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय में देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। इसी ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद जब ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यमराज के दूत आए और पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिव लोक में भगवान शिव का पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्दासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमका कर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने के लिए उद्दत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्माओं दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टी उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर साम्य शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी की दूसरी कथा भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बासकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं।
वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भली भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी एवं खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सब धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगी में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी पाप सख्त कुसित विचार वाली एवं व्यभिचारिणी हैं। वे सदव्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहां का दुष्टों का ही निवास है। उस बाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो अभी वह कुमार्ग पर चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक का बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला अपने काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से क्रश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूर्चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूल बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर बहमूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घामते किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमलोक के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोह का परिप डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूं, कुशित विषयों में फंसी हुई अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में धन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को कैसे झेलूंगी।
हाय मैं मारी गई, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपके शरण में आई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा,